गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले सबको गुरपूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी फैमिली की तरफ से। और एक और जो खुशखबरी ये है कि जो मेरी बड़ी बहन है वो आ गई है, वो बस स्टैंड पे खड़ी है, उसको जाकर लेने जा रहा हूँ। तो आ जाओ। भैया हमारी बड़ी बहन पहुंच गई है। और तो गाइस ये है हमारी बड़ी बहन, मतलब मुझसे ये 7-8 साल बड़ी है। घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ। और ये हमारी चुन्नू मुन्नू है, तो इनका नाम है चुन्नू और प्यार से इसको बुलाती है तन्नो। तो हमारी बहन पहुंच गई है। किस टाइम चले थे सुबह? सुबह 5 बजे, 4:30। 4:30 बजे। तो भैया आप धमाल मचाने वाले हैं आज। तन्नो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल वकूल सही चल रहा है? जी। जो हमारी बहन है वो सुबह 3:30 बजे उठी थी, और जो ये आई है हरियाणा के शहर भिवानी से। तो भिवानी यहाँ से नियर अबाउट 250 किलोमीटर के आसपास है। और ये 4 बजे इन्होंने पैकिंग वैकिंग की और बस स्टैंड पे किस टाइम पहुँच गए थे? 4:20 पे। तो सोते हुए आए हो बस में फिर? हैं फुल सोते हुए आए हो ना? अच्छा, मज़े की बात देखो, पूरा शहर उठ गया है, पूरी दुनिया उठ गई और मेरे घर वाले सो रहे हैं। दिखाता हूँ अभी, मुस्कान भी, वो क्या नाम है उसका, पायल भी सो रही है, चीकू भी सो रहा है, गोलू भी सो रही है। कमाल है। मैं अपने घर के आंगन में और हमारी जो बहन है वो बिल्कुल सिंपल है। तो कुछ कहना चाहोगे दीदी आप? दीदी कुछ कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है मुझे चंडीगढ़ आके आपके पास। तो ये आपको यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा लग रहा है? अच्छा। चलो फिर, चलो भाई। तो ये हमारे घर पहुँच गए हमारी बहन जी। चलो आपको आलसी लोग दिखाते हैं। चलो 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 सीधा कमरे में, चलो कमरे में देखो क्या कर रहे हैं। कैसे हो? कितने दिन के बाद? कितने महीनों बाद? पूछ तो लेकर उठी है? अभी उठी हूँ। पायल क्यों उठ गई बेटा? तू सोना था तेने, तो सोना था यार। गुड्डू रोज सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, आप ऐसे करते हो। रोज सुबह 8 बजे उठती हूँ। आंटी चाय बना दो। बना दी। ठीक है, चल बेटा बैग रख दे, चलो इधर रख दे। बुआ जी खेलता नहीं था जाके, भूल गया क्या? दीदी के साथ खेला था। भूल गया क्या? इधर मेरे पास था। जब दीदी के साथ खेला था मेरे सिर पे चोट मार के नहीं आया था? जा जा मिल चीकू। चीकू ये आपकी बहन है, ये मेरी बहन है, ठीक है? तेरी संभाल कर लेगी ये बाल, घूमते रहेंगे, ठीक है? यहीं रख ले दीदी को, यहीं रख ले। मैं तेरी नाम लिखवा दूंगी। मैं बोलो लिखवा दे। ओहो, मतलब होशियार है ना, लायक है? ठीक है संदीप, ठीक है। मतलब मेरी पहले से ठीक हो रही है? मेरी जितनी होशियार है पहले ज़्यादा है पायल। तो जो हमारी बड़ी बहन है पर हाइट में छोटी है, और फुल नज़ारा ले रहे हम, देख रहे हो फुल नज़ारा ले रहे। तो आज खुशी से पागल हैं। हाँ, तो फुल धमाल मचाने वाले हैं और निकलेंगे कहीं टूर पे, 2-3 दिन के टूर पे। तो मज़ा आ रहा है फुल। अभी पहले चाय के मज़े लेते हैं, उसके बाद कहीं निकलते हैं। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे? नहीं कुछ नहीं कहना चाह रही। अच्छा लग रहा है मेरे को तेरे पास आके। थोड़ा जोर से बोलो। क्यों सुन नहीं रही? आवाज कम आ रही है, थोड़ा घबरा रही है, कभी कैमरे के सामने आई नहीं है ना इसलिए। तो गाइस आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है। आज गुरपुरब है, और पहले तो सबको गुरपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चीकू भैया खेलने लग गया अपनी बहन के साथ। तो आज होगी पराठा पार्टी, तो फुल पराठे चल रहे हैं सर्दियों में, और पराठे ही चलेंगे आगे आगे। तो चीकू तो कितने पराठे खाओगे आज? जितने ये खाएगी। तो भैया तो आलू के पराठे खाए होंगे आपने, मूली के खाए होंगे, प्याज के खाए होंगे, और ये देखो रात को हमारे घर चावल बने थे तो चावल के पराठे बना दिए। तो हमारी बहन जी भी चावल के पराठे खा रही है, चीकू भी खा रहा है। अबे चीकू खा ले बेटा, खा ले, नलायक मत बन, खा ले। अच्छा मिर्ची वाले पापा।
हमारे घर के इतने आलसी हैं कि तीनों पराठे खाली पड़े हैं और वो अंदर काम पे लगी हुई है। नहीं नहीं मैं पराठे सेक रही थी, आपने कहा प्लेन खाओगे ना तो हाँ, मैंने इतना टाइम थोड़ी लगता बच्चे, इतना को दे है दोनों का है आपका भी इनका भी। ठीक है, मजेदार चटनी भी बनाई है हमारे घर वालों ने जो सबने खा ली है। चीकू एक काम करो फिर आप सो जाओ है। नहीं मैं मुंह देखूंगा कन्नू के साथ। कन्नू दीदी कन्नू दीदी है बेटा, तेरे को खिलाया है वो आपसे बड़ी है 10 साल पता है। तो पापा मुझे भी पता है no. पता लग गया ना कन्नू दीदी है। तन्नू ठीक है, तन्नू नहीं तन्नू है ना। हाँ भी आलसी क्या करती है। मैं नहा धो के पूजा करके बैठी हूँ, कल चलना घूमने। हाँ, चल पहले दो शॉर्ट्स बनाते हैं, कपड़े कम रखेंगे। चल दो शॉर्ट्स बनाते पहले, चल पहले ब्रेकफास्ट कर लेते फिर। हाँ तो सपना जी कहाँ है हमारी। हाँ सपना दिल लग रहा बेटे। हाँ तो ये हमारी बड़ी बहन है पर सबका बड़ा भाई मैं हूँ पूरे घर में ना। बोलो कुछ तो। क्या बोलो, मैं तो कमरा देख रही थी। सही है फोटो। हाँ पूजा डन हो गई है तो मौसम बहुत ही बेहतरीन है बाहर का, तो अभी हम जा रहे हैं सब लोग रेडी होके घूमने के लिए। लास्ट टाइम जहाँ पे हम गए थे तो वहीं हमारी जो बड़ी बहन है उनका दिल है घूमने का। अभी पैकिंग कर रही है मैडम हमारी, तो कुछ सामान है पहले उसको निपटाएंगे। चीकू अभी थोड़ा मूवी में ध्यान है और गोलू फुल सामान वामान पैकिंग करने के लग चुकी है। तो भैया चीकू है जो शैतान लड़का टीवी में घुसा हुआ है और इसका जो 3 दिन की छुट्टियां हैं और साथ में उसकी बड़ी बहन उसको टीवी दिखा रही है। सपना पीछे देख रही है कि क्या होगा रात को जहाँ पे हम जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और एक अलग फीलिंग आने वाली है, मज़ा आएगा। तो अभी जा रहे हैं हम सैलून, मैं और नितिन भाई। तो थोड़ा सा सेट वेट कराया थे क्योंकि घूमने जाना है, 2-3 दिन बाहर रहना, तो थोड़ा सा लुक अच्छा रहेगा तो मज़ा आएगा। चीकू क्या हो रहा है ये? संगीत बजा रहा। संगीत बजा रहा तो गाना तो गाओ साथ में। पापा वो माइक ना वो जोड़ा नहीं हुआ। खराब कर दिया क्या आपने? नहीं है कुछ, एक लाइन तो हो जाए, एक लाइन, एक लाइन। ये क्या है? तो अभी पायल गई थी गुरुद्वारा साहिब, तो अभी प्रसादा लेके आई, तो मैंने खा लिया था पहले भी, थोड़ा सा और खा लेते। पैकिंग पूरी हो गई है, बस अभी निकलने वाले हैं। पता है गुड्डू बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा लगा वहाँ जाके ना। और प्रसाद खा लिया आपने? हाँ मैंने भी खाया। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है 4-5 कंबल ले लूँ साथ में। ले ले। हाँ उनके भी होते हैं वैसे एक आधा। नहीं गाड़ी में, आपने गाड़ी में बच्चे हैं ना दोनों। हाँ लेके रख ले ना, कंबल रख लेती हूँ। देखो ना कह रही है इतनी जैकेट करेगी क्या, मेरे क्या वहाँ पे इतने लोग हैं, आप मैं नितिन भैया पायल दीदी तन्नू चीकू सब पहनेंगे के? बिल्कुल ठंड भी है बहुत वहाँ पे। तो मैं सो गया था और सब लोगों ने पैकिंग रेडी कर ली है, तो अभी निकलते हैं। जो हमारी बड़ी बहन है तो हमने सोचा चलो चलते चलते आपको चाय पिला देते हैं हम, और कुछ जो प्राणी हैं घर में जो रह रहे हैं वो थोड़ी सी हरकतें कर रहे हैं, जैसे चीकू कुछ हरकत कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, पायल की पैकिंग भी रेडी हो गई ऑलमोस्ट, पर सुबह से उसने वही कपड़े पहने हुए और वो कह रहे हैं यही पहन के चलती हूँ ना गाड़ी में तो बैठना है तो चेंज कर लेना यार। नहीं मैं चेंज कर रही हूँ, अब आपने बोला मैं चेंज कर रही हूँ। ऐसा क्यों? आपने बोला ना अच्छा नहीं लगेगा कहीं उतरेंगे तो। बिल्कुल, तो रुक जा, बस निकलते हैं। कालू भैया जो गए हुए हैं हरियाणा वो भी रस्ते में हैं, निकलने वाले हैं। मछली मर गई एक। एक और? हाँ जाओ ना। क्या हो रहा है यार, कितनी मछलियाँ मरेंगी? देखो नीचे एक मछली और मर गई। अरे यार इसमें ना एक गंदी फिश है जो इनको मार रही है, ये जो है ना पिंक वाली गोल्ड वाली। हाँ ये गोल्ड वाली निपटा देती है सबको। काटा होगा चीकू उसको है ना? नहीं 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 मम्मी निशान नहीं है इस पे। चीकू काट रखा है इसको भी? नहीं थोड़ी काट, काटा हुआ बच्चे, काटा हुआ नहीं काटा पापा। तो क्या हो रहा है ना, जो मतलब एक्वेरियम के अंदर जो एक फिश है शायद आपने देखी हो, मतलब जो ऑरेंज कलर की फिश है वो ही निपटा देती है सबको। मैं ये पूछ रही थी आप चाय पियोगे? तो फिश के बारे में बता पहले। हाँ वो एक जो डर्ट फिश है ना, डर्ट फिश और नहीं एक ऑरेंज वाली जो फिश है ना, ऑरेंज वाली वो सारी छोटी फिश इसको खा जाती है, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। मेरे हिसाब से उनको एक अकेले रखना चाहिए। तो क्या हो रहा है ना, आदमी आदमी का दुश्मन है और ये देखो फिश भी दुश्मन हो गई है, कमाल है यार क्या हो रहा है दुनिया में। तो मज़ेदार सी चाय बन गई है। पायल आ जा जल्दी आ। चीकू मत कर यार, मत कर मेरे भाई मत कर। बाजी को बुला लेना चाय पी लेंगी। आंटी
सपना आ जा चाय पी ले। सबके ड्रामे खत्म हो गए हो तो चले। चलो चलो। नहीं मुझे नहीं लग रहा कि हम चल रहे हैं। फिर इसको कवर करना जरूरी है ना। चलो भैया चलो आ जा भैया। नितिन सर आ जाओ। कहाँ रह गए? ये कैमरा उठा ले अपना। तो गाइस निकलते हैं फिर हैं, देखते हैं कहाँ के लिए, शिमला के लिए निकलेंगे या कहीं के लिए। हाँ क्या ये मेरे रास्ते के लिए ब्रेड जैम और कीवी और एप्पल। तो ये होती है घरेलू महिला, कुछ नहीं छोड़ती, सब ले चलती है साथ में। जो 10 नारियल मंगाए हुए हैं। 10 नारियल? एक एक नारियल पानी तो मैं पी के ही चलूंगा अभी। आंटी एक नारियल पानी निकाल लो। हाँ एक क्या आंटी एक मग्घा निकाल लो। हाँ तेरे को भी चाहिए कुछ? हाँ नारियल पानी पी लो फिर, कोई बात नहीं पी के चलो। एक नारियल पानी पी लो, वैसे रास्ते में पानी नहीं पियोगे। नारियल पानी पिएगी? पीले पीले आ जा। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या करने वाले हैं अभी। तो अभी क्या ना, मैं रोज 10 नारियल पानी मंगवा रहा हूँ घर पे। अब यहाँ से निकालेंगे, इसमें डालेंगे। ये क्या है वैसे, बता तो दो। तो चीकू का वहाँ पे शो है एक, और वहाँ पे चीकू को बुलाया है इवेंट के लिए, है ना? तो फुल धमाल इवेंट होगा। ये देखो ये जूती रखने का तरीका देख लो। वाह बेटा वाह, ये आपका जिम का बैग है। ये मेरे जिम का बैग की हालत देख ले। ये ना हमेशा ऐसा होता है ट्रैवलिंग में ना, आपका जिम का बैग ना ऐसा हो जाता है। ऐसे ऐसे ही करते हो तुम सारे। चीकू की ये बहुत ही प्यारी टोपी है जो मैंने मंगवाई थी। घूम के दिखाओ, कंप्लीट टोपी लगा के दिखाओ, वो वाली भी। अच्छा ये क्या है मैं दिखाता हूँ। इधर इसको ना एक काम कर, इसको पहले इसको नीचे कर ले, अब इसको पहन और ये देख, सिर्फ ये टोपी है। देखो वाह चीकू वाह, दिखा दे बुआ को, दिखा दे कि ये फुल सर्दियों में पहनने की टोपी है ये। क्या हुआ, कहाँ जा रही है? मैं शिमला जा रही हूँ। ठीक है घूमा, सही लग रही है। क्या लगाया? चलो फटाफट शिमला शिमला शिमला। चलो आंटी बाय। तो ये जा रहे हैं इस लिफ्ट में, हम जा रहे हैं इस लिफ्ट में। बाय बाय। गाड़ी चाबी ले ली, जाओ फटाफट। एक मिनट हो जाए, फ़ोन भूल गए। फ़ोन दिख गया, फ़ोन भूल गई ये। इसकी भी ना हरकतें ख़राब हो रही है। फ़ोन भूल गई पाए ले, अब फिर यहाँ पे देख लो है? देंगे नहीं, चल बताएंगे भी नहीं है। देख लो आंटी, फ़ोन भूल जाती है ऐसे। पायल का है, आधे रास्ते के तो नहीं देंगे इसको, है ना? क्या रह गया, क्या हो गया? तो बच्चे को बहुत ठंड लग रही है, और चीकू को कैब वैब पहनाई जा रही है। जो यहाँ का वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, यानी कि टेम्परेचर 10 डिग्री अभी यहाँ पे। और चीकू वहाँ से आ रहा है, पहनी हुई है हाफ टी शर्ट हाफ पैंट, और सब ने पहना हुआ है ऐसा कुछ। और जो टेम्परेचर आपको पता ही चल नहीं थी ना, तो ठंड ज़्यादा है। कुछ चाय वाय मज़ेदार सी कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मुझे लग रहा है जो हमारी सपना बहन है उनकी तबीयत ख़राब लग रही है, क्योंकि लग ही रहा है क्योंकि रास्ते में वॉमिटिंग आई थी। तो अब मेरा जो विचार है वो वापस घर जाने का है। आपका क्या विचार है मैडम? आपका दिल करो वही करोगे, चलो। तुम्हारा क्या विचार है? चलो घूमने जाने। हाँ जी पापा। आपसे पूछ रहा हूँ, घूमने जाने? हाँ जी पापा। घूमने? देखो ऐसा है, अगर दीदी की तबीयत वहाँ जाके ज्यादा खराब हो गई फिर दिक्कत हो जाएगी। और हमने जो प्लान बनाया था ना दीदी के लिए बनाया था, क्योंकि हम तो दीदी आते रहते हैं। मेरा मन ये था कि आप कोई पहाड़ नहीं घूमे ना, तो पहाड़ घूम लेते। चले चलो फिर, चलो चलो शाबाश, आ जाओ बैठो बैठो बच्चों बैठो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, और ये देखो इनको ठंड देखो कितनी लग रही है। और ये देखो, और एक ये आदमी है कुछ नहीं पहनता, ये देखो नीचे भी ऐसे ही चलता रहता हर जगह। चलो जी चलो चलो भैया चलो, शाबाश। तो हमारी जो बहन है उसको भी ठंड लग रही है यहाँ पे। चलो चलो चलो, शोर नहीं बच्चा, शोर नहीं, चलो तो मुझे दो। चलो क्या ठंड आने यहाँ पे? मैं नहीं जा सकती कश्मीर, बश्मीर मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। तेरे को मना तो किया था मैंने, तू गोवा चल पड़ी हो, ठीक है? एक काम करिए, तू हैदराबाद चलिए मेरे साथ, ठीक है? तो गाइस बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, जबरदस्त नज़ारा है। तो गाइस एक रूम ये है, इसमें सोएंगे मैं और नितिन भाई। पहुंच गए अपने रूम के अंदर, लाइटें जला के दिखाता हूँ आपको सारा नज़ारा। तो भैया ये है रूम, ये वाला रूम। मज़ेदार सा। हाँ जी ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बीपी कम हो गया, कुछ खाना वाना खा ले ठीक हो जाएगी फिर, है ना? और कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।